बिसम राय असल अर्थाग्नस हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर डिस्कस कर रहे थे और हमने पिछली वीडियो में 11, 12 और 13 क्वेश्चन किए थे जो पोलर फॉर्म में मौजूद थे इससे अगले क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 आर इज़ इक्ल टू ए डिवाइडेड बाई टू प्लस कॉज ऑफ थीटा तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसको डिफ्रेंशियट करेंगे लेकिन इधर इस पहले स्टेप में यह भी लिखा हुआ है कि अगर आप उसको मजीद आसान बनाना चाहते हैं अगर इसका डिफ्रे... डेरिवेटिव लेंगे तो नीचे क्या बन जाएगा क्वेश्चन रूल लगेगा तो स्क्वेयर की टर्म नीचे बन जाएगी एन टू प्लस कॉज ऑफ थीटा इसका होल स्क्वेयेर हम क्या करते हैं हम इसके दोनों तरफ लॉग ले, ले लेते हैं यानी कि अगर आप यू शैल जनरली टेक लॉगरिथम एंड देन डिफरेंशिएट सबसे पहले हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं ताकि ये आसान हो जाए थोड़ा सा तो लॉग लेते हैं दोनों तरफ लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ टू प्लस कॉज ऑफ थीटा ठीक हो गया तो ये दोनों तरफ जब डेरिवेटिव लेंगे तो लॉग ऑफ आर का डेरिवेटिव क्या होता है वन बाई आर डॉट डी आर बाई डी थीटा थीटा के लिए ऐसे डेरिवेटिव लेंगे लॉग ऑफ ए का डेरिवेटिव जीरो माइनस इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वन बाई टू प्लस को साइन ऑफ थीटा ठीक है फिर डी जिसका लाग होता है उसका भी डेरिवेटिव लेते हैं तो लाग किसका है टू प्लस कॉज ऑफ थीटा का लाग है टू का डेरिवेटिव जीरो और कॉज ऑफ थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ थीटा ठीक है माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय टू प्लस कॉज ऑफ थीटा जब हमने डेरिवेटिव लिया तो हमने देखा कि जो डेरिवेटिव था यानी कि कांस्टेंट कौन, टर्म थी जो यानी ये कांस्टेंट जो ए है ये एलिमिनेट हो चुका है ऑलरेडी तो अब हमें मजीद इसमें इसको एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है तो दूसरा स्टेप क्या होता है जब एलिमिनेट हो जाता है कांस्टेंट भी तो दूसरा स्टेप ये है कि हम रिप्लेस करते हैं डी आर बाई डी थीटा की जगह माइनस आर स्क्वेयर डी थीटा बाई डी आर हम इसकी जगह लिखते हैं तो डी आर बाई डी थीटा की जगह हम लिखेंगे माइनस आर स्क्वेयर डी थीटा डिवाइडेड बाय डी आर इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय टू प्लस कोसाइन ऑफ थीटा तो अब देखें कि आर इस आर स्क्वेयर से कैंसर हो जाएगा डी थीटा थीटा वाले टर्म में इधर ले आते हैं टू प्लस को साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा और ये जो आर है इधर जाके माइनस वन बाई आर डी आर बन जाएगा अब देखें इसको तोड़ के लिखते हैं टू बाई साइन ऑफ थीटा प्लस कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा और इंटू डी थीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई आर अब हमने ये जो डिफ़रेंशियल क्वेश्चन बन गई है इसको हमने सॉल्व करना है तो वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं ऑलरेडी दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेटिंग तो आप देखें जब इंटीग्रेट करेंगे साइन थीटा का डेरिवेटिव ऊपर कॉस थीटा मौजूद है तो इसकी इंटीग्रेशन तो होगी लॉग ऑफ साइन ऑफ थीटा ठीक है इज इक्वल टू इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी माइनस लॉग ऑफ आर प्लस कांस्टेंट जनरल कांस्टेंट लिख देंगे लॉग ऑफ सी आप देखें टू बाई साइन थीटा का मतलब है टू को सी ऑफ थीटा टू को सी ऑफ थीटा तो टू बायर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ को सी कैन ऑफ थीटा डी थीटा ये किसके बराबर होती है टू इंटू लॉग ऑफ को सी कैन ऑफ थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा ये इसकी इंटीग्रेशन होती है ये आप इंटीग्रेशन टेबल से अगर आप इसको देखें तो इसका ये फार्मूला लिखा होगा तो इस फार्मूला की अप्लाई करेंगे यहाँ पर ठीक है तो हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ को सी कैंट को सी कैन ऑफ थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा ठीक है अब देखें ये जो बाय टू है ये लॉग की पावर में चला जाएगा तो ये इसका स्क्वेयर बन जाएगा आप इसको क्लोज फॉर्म में लिखते हैं लॉग ऑफ को सी कैंड ऑफ थीटा माइनस क्वाट ऑफ थीटा इसका क्या है स्क्वेयर और इनटू टू साइन ऑफ थीटा ये इसके साथ प्रोडक्ट हो गया इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी डिवाइडेड बाय आर तो दिस इम्प्लाइज दैट लॉग लॉग से कैंसिल को सी कैंड ऑफ थीटा माइनस क्वाट ऑफ थीटा इसका होल स्क्वेयर इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई आर हो गया मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको इसको हम लिख सकते हैं वन बाई साइन वन बाई साइन थीटा और इसको लिख सकते हैं वन का थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा इसका होल स्क्वेयर इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई आर यहाँ से वन बाई साइन थीटा को कामन लेते हैं तो वन बाई साइन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा तो एक साइंस थीटा जब मौजूद है तो उसको इसके साथ कैंसिल करेंगे तो सिर्फ़ एक साइंस थीटा रह जाएगा और ऊपर क्या है वन माइनस काज ऑफ थीटा इसका होल स्क्वेयर इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई आर तो यहाँ से आर को अलहदा करते हैं आर इज़ इक्वल टू सी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉज ऑफ थीटा का होल स्क्वेयर सो दिस इज द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ़ द गिवन फैमिली ऑफ गर्स ठीक है ये क्या है गिवन जो फैमिली है ये वाली फैमिली थी इसकी आर्थोगल जो ट्रे, ट्रे, ट्रेजे है वो हमारे पास ये आई है उसकी फैमिली ऑफ गर्स तो ये था क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की तरफ फिफ्टीन में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में हमारे पास जो गिवन आर्थॉगन जो ट्रिजेक्ट्री है वो क्या है आर इज इक्वल टू ए साइन ऑफ़ एनथीटा तो क्या करेंगे हम सबसे पहले सबसे पहले इसके दोनों तरफ अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो दोनों तरफ लॉग ले लें अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है तो आप भी कर सकते हैं ठीक है अगर मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूँ लॉग ऑफ आर इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस ऑफ साइन ऑफ एन थीटा ठीक है अब डेरिवेटिव लेता हूँ तो क्या आएगा वन बाई आर डी आर बाई डी थीटा ठीक है ये कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव जीरो और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा वन बाई साइन एन थीटा साइन एन थीटा डॉट इसका डेरिवेटिव आगे लेना पड़ेगा तो क्या आएगा एन कॉज ऑफ एन थीटा ठीक हो गया अच्छा एन इसको हम लिख सकते हैं टेन ऑफ कॉज बाई एन जो साइन होता है ना कॉज बाई एन जो होता है वो कॉट ऑफ थीटा होता है तो चलो इसको ऐसे ही रन देते हैं फिलहाल कॉज ऑफ एन थीटा डिवाइड बाय साइन ऑफ एन थीटा वन बाई आर डी आर बाई डी थीटा तो अब नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कोई जनरल कॉन्सटेंट हमें नहीं मिल रहा तो यहाँ पर पहला स्टेप मुकम्मल हो चुका है पहला स्टेप मुकम्मल हो चुका है जब पहला स्टेप हो जाए उसके बाद हम क्या करते हैं डी आर बाई डी थीटा की जगह क्या रिप्लेस करते हैं माइनस आर स्क्वे डी थीठा बाई डी आर को रिप्लेस करते हैं वन बाई आर इसमें इसकी जगह डी आर बाई डी थीटा की जगह हम लिखेंगे माइनस आर स्क्वेयर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू एन को साइन ऑफ एन थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एन थीटा तो यहाँ से आर आर स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा माइनस आर डी थीटा बाई डी आर इज़ इक्वल टू एन कॉज ऑफ एन थीटा डिवाइड बाई साइन ऑफ एन थीटा यहाँ से वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं साइन एन थीटा इधर आ जाएगा ठीक है डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ एन थीटा डी थीटा माइनस को इधर रहने देते हैं ठीक है और यहाँ से इज इक्वल टू वन बाई आर इन टू डी आर कर देते हैं वेरिएबल को सेपरेट कर दिया एन भी है इधर एन बाई आर ये एन मौजूद है अब इंटीग्रेशन के लिए हम देख रहे हैं कि नीचे वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है लेकिन यहाँ पर एन की कमी है एन की कमी पूरा करने के लिए हम एन से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और एन से डिवाइड भी कर देंगे ठीक है दोनों तरफ तो इंटीग्रेशन करते हैं वन बाई एन लॉग ऑफ क्या हो जाएगा कॉज ऑफ़ एन थीटा इज़ इक्वल टू एन लॉग ऑफ आर प्लस लॉग ऑफ हम लिखते हैं सी का लेते हैं कोई कांस्टेंट जनरल तो लॉग ऑफ कॉज एन थीटा ये पावर में चला जाएगा वन बाई एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर की पावर एन प्लस लॉग ऑफ सी यहाँ से सिम्पलीफाई करते हैं लॉग को लॉग ऑफ कॉज एन थीटा वन बाई एन इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ आर की पावर एन इंटू सी लॉग लॉग से कैंसिल कॉज ऑफ एन थीटा इसकी पावर क्या है वन बाई एन इज इक्वल टू इसकी पावर है आर की पावर एन कॉस आर की पावर एन सी तो पावर दोनों तरफ एन लेंगे जब ये एन एन से कैंसिल सिर्फ बचेगा इधर काज एन थीटा इधर क्या आएगा आर एन एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा एन स्क्वेयर हो जाएगा इन टू सी की पावर एन तो यहाँ सी की पावर इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड सी की पावर एन इंटू कॉज ऑफ़ एन थीटा इज़ इक्वल टू आर की पावर एन स्क्वेयर तो आर की पावर एन स्क्वेयर इज इक्वल टू इसको हम बी एन का नाम दे देते हैं बी की पावर एन कॉज एन थीटा ठीक हो गया तो ये है गिवन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री यानी कि रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजैक्ट्री है ये जो किसके ऑर्थोगोनल है गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स जो दी गई थी ये वाली इसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हमने फाइंड कर ली है उसके बाद पोलर वाला लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन तो इसको देख लेते हैं ठीक है इसके अथाग्राउंड रिजेक्टिव फाइंड करते हैं गिवन जो फैमिली है वो क्या है आर की पावर एन कॉज ऑफ़ एन थीटा इज इक्वल टू ए की पावर एन तो मैंने आपको बताया था अगर आसान करना हो इसको तो दोनों दो तरफ क्या ले लो लॉग ले लो जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या आएगा लॉग ऑफ आर की पावर एन प्लस लॉग ऑफ कॉज एन थीटा इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए की पावर एन अब देखें दोनों तरफ तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो वन बाई आर की पावर एन ठीक है डॉट हम लिखेंगे इसका डेरिवेटिव यानी कि एन शुरू में आर की पावर एन माइनस वन हो जाएगी प्लस लिखते हैं इसका डेरिवेटिव लेते हैं वन बाई कॉज ऑफ एन थीटा डॉट कॉज ऑफ़ एन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन ऑफ माइनस एन इंटू साइन ऑफ एन थीटा इज इक्वल टू ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा और इधर सॉरी इधर हमने लिखना था डी आर बाई डी थीटा भी डी आर बाई डी थीटा भी क्योंकि आर का जिसकी पावर है उसका भी डेरिवेटिव आगे लेना है ये माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस इधर लिखेंगे एन साइन ऑफ एन थीटा डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ एन थीटा ठीक है कॉज ऑफ एन थीटा और इस तरफ क्या है ये एक आर एन एक एक आर एन से कट जाएगा तो क्या बचेगा एन बाई आर इधर बचा एन बाई आर इंटू डी आर बाई डी थीटा ये एन इस एन से कैंसिल तो जब कांस्टेंट जो है एलिमिनेट हो गया कांस्टेंट खत्म हो गया तो हम क्या करते हैं डी आर बाई डी थीटा की जगह क्या रिप्लेस करते हैं जो कि सेकेंड स्टेप है कि डी आर बाई डी थीटा की जगह हम लिख देते हैं माइनस आर स्क्वेयर डी थीटा बाई डी आर तो हम लिखते हैं वन बाई आर ये बायर वाला और इसकी जगह लिखेंगे माइनस आर स्क्वेयर इंटू दी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू इधर क्या है साइन ऑफ़ एन थीटा डिवाइडेड बाई को साइन ऑफ एन थीटा वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं थीटा वाली चीज़ें इधर कॉज एन थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई आर हो गया और डी आर तो अब हमें नज़र आ रहा है कि ये जो साइन ऑफ एन थीटा है इसका डेरिवेटिव ऊपर कार्स एन थीटा मौजूद है लेकिन एक कमी है कि यहाँ पर एन नहीं है तो एन हम बना सकते हैं ठीक है मल्टीप्लाई भी कर दें एन को डिवाइड भी कर दें अब इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग तो बाहर क्या है वन बाई एन ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एन थीटा ठीक है इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ और प्लस जनरल कॉन्सटेंट लॉग ऑफ सी लिख देते हैं या बी लिख दें अपनी मर्जी है लॉग ऑफ साइन ऑफ एन थीटा ठीक है इसकी पावर में क्या हो जाएगा वन बाई एन इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग ऑफ सी बाई आर ये हमने सिर्फ क्या अप्लाई किया है लॉग वाला जो है रूल अप्लाई किया है तो क्या हो जाएगा साइन एन थीटा इसकी पावर है जी वन बाई एन इज़ इक्वल टू सी बाई आर लॉग लॉग से कैंसिल दोनों तरफ क्या पावर लेंगे एन तो इधर बचेगा साइन एन थीटा इज इक्वल टू सी की पावर एन डिवाइड बाई आर की पावर एन तो आर की पावर एन को इधर ले आते हैं आर की पावर एन इंटू साइन ऑफ एन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आता है सी की पावर एन तो ये क्या है रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रिजेक्ट्री है किसके ऑर्थोगोनल है इस गिवन जो फैमिली थी इसके ऑर्थोगोनल ट्रीजेक्ट्री हमने फाइंड कर ली है